गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन इंग्लिश क्लास। सो प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश बुक, थर्ड क्लास इंग्लिश बुक, ठीक है, एंड ओपन पेज नंबर 19, ठीक है, पेज नंबर 19 पर है ये वाला काम। ओके, तो क्वेश्चन एंड आंसर है ये। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेम द ट्री मेंशन इन द स्टोरी, हु केम टू दिस ट्री एंड व्हाई। जो ट्री मेंशन किया गया है स्टोरी में उसको बताना है, हु केम टू दिस ट्री और कौन इस ट्री पर आया था और क्यों आया था, इसका आंसर क्या है। इट इज एन एप्पल ट्री, रूटेड आउट केम टू लिव ऑन दिस ट्री। ये एक एप्पल ट्री है और रूटेड आउट वहाँ पे रहने के लिए आया, क्यों आया, रहने के लिए आया। व्हाट डिड डोडो विश फॉर, डोडो ने किस चीज के लिए विश किया। वाज हर विश फुलफिल्ड और हाउ, उसकी विश फुलफिल हुई क्या और कैसे हुई। तो डोडो ने क्या विश किया था, उस दिन काफी गर्मी थी तो क्या हुआ, डोडो विश्ड समथिंग टू कीप हर कूल, हर विश वाज फुलफिल्ड, उसकी जो विश थी वो फुलफिल हो गई कैसे, एज शी गॉट अ सन हैट, उसको एक सन हैट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फॉक्सी डू विद अ न्यू पेयर ऑफ शू। फॉक्सी ने न्यू पेयर ऑफ शू के साथ क्या किया, उसने डांस किया था ना, तो फॉक्सी Dance with the new pair of shoes. Number 4 question. The apple tree was not really a wishing tree, but Dodo said perhaps it's a wishing tree after all. Why do you think she said so? ये apple tree जो था वो wishing tree तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से वो wishing tree था, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से सभी की जो wish थी वो पूरी हो गई थी, ठीक है, तो इसीलिए वो wishing tree ना होते भी सबकी wish पूरी हो गई। She said so because उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि somehow everyone's wish was fulfilled, किसी ना किसी तरीके से उन लोगों की विश जो थी वो पूरी हो गई। नंबर ई, नंबर 5 या फिर ई, होटी वाजंट एंजॉय डोडोस म्यूजिक, कैन यू टेल व्हाई। वो एंजॉय नहीं किया उसने डोडो की म्यूजिक को, क्यों बताइए। होटी वांटेड टू सेटल डाउन इन हिज न्यू होम, वो अपने जो नया घर था वहाँ पे सारी चीज़ों को सेट करना चाहता था, बट डोडोस म्यूजिक वॉज इरिटेटिंग ही, जो डोडो का म्यूजिक था वो उसको परेशान कर रहा था। That's why he wasn't enjoying the music. इसलिए उसने उसके म्यूजिक को पसंद नहीं कर रहा था। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए क्लास 33rd चैप्टर के, ठीक है। तो प्लीज आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।